चलिए अब आगे बढ़ते रुक करते अगली खबर का। करौली हिंसा मामले में साजिश का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई ने पहले ही जारी कर दिया था हिंसा का प्रेस नोट और उसके साथ ही पीएफआई ने हिंसा को लेकर पहले ही जानकारी दे दी थी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। 1 अप्रैल को प्रेस नोट आया और 2 अप्रैल को हिंसा हुई, यानी इसमें एक बड़ी साजिश की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यही है कि करौली हिंसा मामले में साजिश का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई ने पहले ही जारी कर दिया था हिंसा का प्रेस नोट और 1 तारीख को प्रेस नोट आया, 2 तारीख को हिंसा हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब 1 तारीख को प्रेस नोट आया उसके बाद बवाल को रोकने की क्या कोशिश हुई, ये बड़ा सवाल है। चलिए इस वक्त हमारे साथ शरद पुरोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शरद, इसमें बड़ी चीज निकलकर सामने आई है कि 1 अप्रैल को प्रेस नोट आ गया था और 2 तारीख को हिंसा हुई थी, यानी कि एक साजिश यहां पर रची जा रही थी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 1 तारीख को जिस तरह से प्रेस नोट जारी करता है, यानी कि उनको इस बात की कुछ भनक थी कि आने वाले समय में राजस्थान में कुछ इस तरह की चीज़ें उपद्रव हो सकता है, और उसके बाद में भी प्रशासन ने कहा जा सकता है कि इसको गंभीरता से नहीं लिया, और तब जाकर के राजस्थान में इस तरह की ये हिंसा देखने को मिली जिसमें दुकानें जला दी गई, वाहन जला दिए गए, और इस तरह की हिंसा हुई कि अब तक लोग परेशान हैं। आज बोर्ड की परीक्षाएँ शुरू हो चुकी है, छात्र घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इंटरनेट सेवाएँ शुरू नहीं हुई, जो छात्रों की पढ़ाई है इन दिनों सभी इंटरनेट के जरिए चलती है लेकिन इंटरनेट सेवाएं बंद है और एग्जाम यहां पर शुरू हो गए हैं। उसका खामियाजा यहां पर जो लोग हैं, आम जन हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पीएफआई किस तरह से ये प्रेस नोट जारी कर देती है, उसको कहां से ये इनपुट मिला होगा कि राजस्थान में 1 दिन बाद में इस तरह की घटना हो सकती है। अगर इस तरह का इनपुट उनके पास था तो आखिर उनकी तरफ से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, और अगर ये इनपुट उनके पास था तो ये माना जा सकता है कि जानबूझकर साजिश रची गई होगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 2 तारीख से जिस तरह से ये उपद्रव राजस्थान में जो जो पीएफआई का प्रेस नोट है उसमें क्या क्या लिखा गया है, मुख्य रूप से क्या ऐसे बिंदु है जिसमें जिसको सरकार को भी फोकस करना चाहिए? देखिए, उसमें उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो हिंदू नवत्सर जो वर्ष है उसके दौरान 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक कुछ यात्राएं राजस्थान में निकाली जाएगी हिंदू संगठनों की ओर से। इस यात्रा के दौरान में किसी तरह का उपद्रव हो सकता है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, इस दौरान कुछ इस तरह की नारेबाजी हो सकती है जिसको रोकने की ज़रूरत है। अगर ये संगठन जो अल्पसंख्यक इलाके हैं, समुदाय जहाँ रहते हैं, उन जगहों से अगर ये यात्रा निकलती है तो वहां पर किसी तरह का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। ये सारे पॉइंट उसमें बताए गए थे, और उनका यह भी कहना है कि पुलिस महानिदेशक से लेकर के पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उन सभी को इस बात से अवगत करा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहां पर प्रशासन की ओर से कहा जा सकता है कि इसमें ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई गई, इस लेटर को एक साधारण लेटर समझा गया, इस प्रेस नोट को साधारण तरीके से लिया गया, और उसके बाद में देखा गया कि करौली में किस तरह से अचानक हिंसा बढ़ी थी जब यात्रा निकल रही थी हिंदू संगठनों की ओर से, तो उस पर जमकर पथराव किया गया और उसके बाद में वहां आगजनी की घटना सामने आई, वाहनों को वहां पर जला दिया गया, और उसका अभी तक कहा जा सकता है कि असर वहां पर देखने को मिल रहा है, और पूरे राजस्थान से जो पुलिस फोर्स है वो वहां पर भेजी गई है, 50 से अधिक RPS अधिकारी हैं जिन्होंने वहां पर मोर्चा संभाल रखा है, जो IPS अधिकारी है वो वहां पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशासनिक लेवल पर भी कई सवाल उठते हैं क्योंकि इतना बड़ा नेग्लिजेंस हुआ है, जब यहाँ पर लेटर आता है उसके बाद अवगत करा दिया जाता है, उसके बाद ही यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होंगे। बिल्कुल, 1 दिन का समय था, अगर प्रशासन चाहता, पुलिस चाहती तो इस मामले को होने से रोका जा सकता था। एक जगह से इनपुट मिल गया था कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, जांच पीएफआई के उन लोगों की भी यहां पर की जानी चाहिए जिन्होंने इस तरह का इनपुट दिया, उनको कहां से भनक लगी कि राजस्थान में इस तरह की साजिश रची जा रही है। अगर साजिश रची जा रही थी तो क्या उनके भी संगठन के लोग इसके अंदर शामिल किसी स्तर पर हो सकते हैं? इस मामले की प्रशासन को अब जांच करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की गलती यहां पर बड़ी मानी जा सकती है कि 1 दिन पहले उनको इनपुट दे दिया गया था, उसके बावजूद करौली में इस तरह से बड़ी हिंसा वहां पर हो जाती है। बिल्कुल, और यही बड़ी बात है कि आखिर प्रशासन ने तब क्यों ध्यान नहीं दिया जब ध्यान देने की जरूरत थी। शुक्रिया शरद आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से, पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन लंगड़ा, 20,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर ब्रजेश राजभर के पैर में गोली भी लगी और उसके साथ ही आपको बता दें कि गाजीपुर का रहने वाला है इनामी बदमाश ब्रजेश अब देश छोड़कर भागने की फिराक में भी था, लेकिन ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में महंगाई को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है और हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, विपक्ष ने महंगाई को लेकर के जमकर हंगामा किया है, बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया है। रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हर रोज ये खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी को लेकर के विपक्ष का कहना है कि जनता परेशान है। और अब राजस्थान से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। करौली कांड को लेकर सियासी घमासान तेज हुआ, बीजेपी ने सीएम गहलोत पर बोला हमला, तुष्टीकरण का आरोप लगाया, ओवैसी ने कहा कि दंगाइयों के आके गहलोत ने सरेंडर किया। करौली की घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने 10 सदस्यीय कमेटी गठित की, कमेटी पूरी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने करौली मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा, मामले को सरकार की विफलता बताया। करौली में बाइक रैली पर पथराव के बाद से तनाव बरकरार, आईपीएस मृदुल कछावा ने के नेतृत्व में शहर में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। राजस्थान की करौली में तनाव के बीच आज कर्फ्यू और सीएम गहलोत ने हालातों की जानकारी दी, उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश। करौली में इंटरनेट सेवा बंद की गई, बढ़ाई गई अवधि, अब आज तक इंटरनेट सेवा रहेगी बंद, जिला प्रशासन ने की लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 2 दिवसीय बाड़मेर दौरे पर पहुंचे और सरकार पर बोला हमला, मोदी सरकार ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रही है। राजस्थान में डॉक्टर्स आंदोलन को लेकर दो फाड़, प्राइवेट अस्पताल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी ने आंदोलन आगे जारी रखने का किया ऐलान, जबकि जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल वापस लिया। राजस्थान के कोटा में एमबीएस अस्पताल में कोहराम मचा, मृतक के परिजन और पुलिस के बीच मारपीट, मृतक के परिजन शव के साथ कर रहे थे प्रदर्शन। राजस्थान में गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, प्रदेश भर में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा, तो एक दर्जन जिलों में 42 डिग्री से ज्यादा हो गया तापमान।